नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया और आप सभी की समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूल अंक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे और उसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा। आज का दिन सभी दर्शकों के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो बस उसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और नंबर फ्लैश हो तो रहा है, उसके साथ दर्शकों बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपने जन्म की तारीख हमें बतानी है, फिर आपकी जो भी समस्या है उससे संबंधित आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, इस प्रश्न के जवाब के आंसर जानने से पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दिन के मूलांक से। जी मित्र, आज हम बात करेंगे आपके मूलांक के अनुसार क्या कहता है आपका आने वाला कल, आज का भविष्य। और शुरुआत करते हैं एक के अंक से। सूर्य का अंक है संतान के मामले में कोई अच्छी खबर मिलेगी, व्यापार बिजनेस में भी आपको फायदा होगा, आप जोखिम उठाएंगे और सफल भी हो जाएंगे। शुभ रंग की अगर मित्रों बात करें, सफेद रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक दो, चंद्रमा का भोलेनाथ का अंक है, दूर स्थान पर रहने वाले लोगों से सहयोग मिलेगा आपको भरपूर। भावनाओं में आकर कोई ऐसी बात न करें जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। शुभ रंग की अगर हम बात करें, मूलांक दो वालों के लिए स्लेटी रंग आज विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक तीन, बृहस्पति का अंक है, विष्णु का अंक है, अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है, दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेंगे तो खुद परेशान हो जाएंगे। जिम्मेदारियां भरपूर रहेगी आपके ऊपर, जिम्मेदारियां निपटाने में मन कम ही लगेगा, झुंझलाहट पर कंट्रोल रखें। शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, आगे के मूलांक की तरफ बढ़ने से पहले आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है बिंदी। जी, महिलाओं के लिए बिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जी, तो कैलाश जी सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बिंदी जो होती है उसका महत्व क्या होता है? बिंदी वैसे तो एक नारी के श्रृंगार का अभिभूत पर्यायवाची शब्द है बिंदी। जब तक बिंदी न लगे तो श्रृंगार अधूरा रहता है, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी और अंक ज्योतिष के अनुसार अगर बात की जाए, जिस तरह से कुंडलिनी अगर जागृत करनी हो तो बिंदी जो भुकुटी होती है वहाँ पे कुंडली जब तक जागृत नहीं होती, संपूर्ण कुंडली जागृत नहीं मानी जाती, और जब महिलाएं बिंदी लगाती है तो अपने आप में वो कुंडली जागृत मानी जाती है। बिंदी लगाने से महिलाओं का ऑरा, महिलाओं का विकास और नौ के नौ जो ग्रह महिलाओं के शरीर में विराजते हैं, हर व्यक्ति विशेष के शरीर में विराजते हैं, वो जागृत रहते हैं। कौन सा स्टार, कौन सा अंक, कौन सा नंबर कितना सपोर्ट करेगा ये बाद की बात रहती है, लेकिन बिंदी लगाने से ऑरा मजबूत होता है और बिंदी शुद्ध रूप से सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है, और जिसका सूर्य उच्च का होता है उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति सारे संसार में विख्यात होती है। बिंदी लगाना अपने आप में एक लाभदायक, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी लाभदायक है और स्वास्थ्य एवं कायिक भाषा जिसे शारीरिक विज्ञान कहते हैं उनके अनुसार भी बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। कैलाश जी, आगे बढ़ने से पहले आगे के प्रश्न आपसे पूछूं, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, ऋतु जी हैं हरियाणा से, जो कि अपने जीजा जी के बारे में जानना चाहती है लेकिन अपने जीजा जी की जन्म की तारीख नहीं पता है उन्हें। जी ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। ऋतु जी, अपना सवाल एक बार दोबारा से दोहराइए। आचार्य जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ये मेरे जिया जी 50 या 52 साल के बीच में हैं। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं पता। जी, वो बीमार रहते हैं, जैसे वो नेपाल में उनका बिजनेस चलता है। नाम क्या है उनका? रामकिशन जी। रामकिशन,
अंक ज्योतिष के अनुसार जो राम अल्फाबेट रहता है उसका 7 का अंक बनता है और आर जो अल्फाबेट रहता है उसका 2 का अंक बनता है। चंद्रमा और केतु के प्रधान व्यक्ति हैं आपके जीजा जी, और चंद्रमा केतु प्रधान व्यक्तियों को शारीरिक कष्ट रहता ही रहता है। आप उन्हें हरे रंग की बोतल के अंदर पानी पिलाइए और जब भी उनको हॉस्पिटल ले जाने का दिखाने का जब भी काम रहे तो किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तीन के अंक की तारीखें और 5, 14 और 23 पांच के अंक की तारीखों में उन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए, चेकअप करवाइए, उन्हें अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स मिलती रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। और कैलेंडर वर्ष 2017 की बात करें, 1 के अंक का सूर्य के अंक का वर्ष है, आपके जीजा जी की तबीयत में जल्दी सुधार 19 फरवरी 2017 के बाद देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमित्रा जी हैं बीकानेर से, इनके जन्म की तारीख है 18/10/1991। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरी शादी नहीं हो रही, मैं मंगलिक हूँ। सुमित्रा जी, 18/10/1991 9 का अंक मंगल का, मूलांक में ही मंगल बैठा है, आप पूर्ण मांगलिक हैं और मांगलिक होने की वजह से आपके विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। 2016 जो कैलेंडर वर्ष था वो स्वयं 9 के अंक का मंगल का था, प्रबल मंगल, आप खुद मांगलिक हैं, चलित में वर्ष भी मंगल का होने की वजह से पूर्ण मांगलिक का जो योग बना उसमें आपके विवाह के योग नहीं बने। कैलेंडर वर्ष 2017 सूर्य का अंक है और मंगल हनुमान जी की भूमिका में रहते हैं और सूर्य और हनुमान जी पिता पुत्र की भूमिका में रहते हैं। 19 फरवरी 2017 के बाद विवाह के प्रबल योग बनने शुरू भी हो जाएंगे और आप किसी भी हनुमान मंदिर में 2 लौंग का मीठा पान, 1 मीठा पान बनवा के 2 लौंग उसके ऊपर लगवा के किसी भी हनुमान मंदिर में चढ़ाइए, विवाह के प्रबल योग भी बनेंगे और घर बैठे रिश्ता हो जाएगा। कैलाश जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, ऋतु जी हैं बीकानेर से, जो कि अपनी भांजी रिद्धि के लिए जानना चाहती हैं। रिद्धि की जन्म की तारीख है 19/12/2003। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार ऋतु जी। हाँ जी, मुझे अपनी भांजी के लिए पूछना था उसके फ्यूचर के बारे में, कि वो अपनी पढ़ाई में कैसी रहेगी, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, और मतलब कि वो जब उसका बर्थ हो तो राहु काल में ही हुई है शायद वो, तो उसके कारण क्या पता, हमें ऐसा डाउट होता है कि घर में कलेश बहुत रहता है, उनके मम्मी पापा की आपस में कम बनती है, क्या चक्कर है, मतलब कि बच्ची कैसी है माँ बाप के लिए, ये पता करना था। ऋतु जी, आपकी भांजी रिद्धि जन्म की तारीख है 19 दिसंबर 2003 से ही शनि का समय शुरू होता है और जिस दिन शुरू होता है उसी दिन बच्ची का जन्म हुआ है, लेकिन 19, 1 और 9, 10 और 1 का अंक सूर्य का अंक 1 मूलांक है और मूलांक सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा का रहता है, लेकिन ये चलित में उत्तरार्ध का सूर्य है, इसलिए इस बच्ची का जब तक विवाह नहीं होगा तब तक इसके कष्ट भी रहेंगे और पीहर पक्ष में अशांति का माहौल भी रहेगा। शादी के बाद पीहर पक्ष का सूर्य भी उच्च का हो जाएगा और जिस घर में जाएगी वहाँ पर भी मान सम्मान प्रतिष्ठा रहेगी। और रही बात अगर पढ़ाई शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये शिक्षा में इतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन जॉब लगने के इनके पूरे योग हैं, प्राइवेट में और आर्ट एंड कल्चर के फील्ड के अंदर भी ये जाते हैं तो अच्छे आयाम स्थापित करेंगे। और जो आपका प्रश्न था राहु काल का, बहुत सारे व्यक्ति राहु काल, अमावस्या, ग्रहण, इन सब समयों में उनका जन्म होता है, लेकिन इनका व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं रहता। अगर आपका इष्ट मजबूत है, अगर ये बच्ची भगवान कृष्ण की या ठाकुर जी की पूजा करे तो इनके ऊपर ये जो थोड़े बहुत या मन में जो वहम भी चल रहा है वो खत्म हो जाएंगे, जब तक ये अपने मम्मी पापा के घर में रहेंगी सुख शांति रहेगी। कैलाश जी, अभी के लिए चूरू से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रहलाद जी हैं, इनके जन्म की तारीख है 20/5/1975। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। गुरु जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा प्रहलाद जी। गुरु जी, मेरी जन्म की तारीख है 20 मई 1975 जी। गुरु जी, मेरा पीछे का समय 8-10 साल से अच्छा नहीं रहा जी, बड़ा संघर्षमय रहा है, तो आगे कैसा रहेगा? पहला जी, 20 मई 1975 2 का अंक है, चंद्रमा का अंक है और चलित में जैसे आपने बताया 8-10 साल आपके अच्छे नहीं गए, आपको 19 फरवरी 2003 में
राहु की महादशा, राहु का मूलांक चार की जो समय है वो शुरू हुआ था और वो आपका खत्म होगा 28 अप्रैल 2019 में। तब तक आप पितरों संबंधित कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, घर में अपने जो पूर्वज जो दुनिया में नहीं रहे उनका ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो आप अपने ऑफिस में या अपने घर की जो बैठक है उसमें लगाइए और उनके निमित्त जैसा आपको ठीक लगे दान पुण्य कीजिए। समय अनुकूल नहीं चल रहा, अभी बहुत समय है, 2.5-3 साल का समय, तब तक पितरों संबंधित पूजा कीजिए। समय आसानी से भी निकल जाएगा और जो बाधाएं वो खत्म हो जाएगी। कैलाश जी, अब आपसे जानना चाहूंगा, बिंदी पर हम चर्चा कर रहे थे जी। कैलाश जी, अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं लाल रंग की बिंदी लगाती जी, तो बिंदी में लाल रंग जो होता है उसका क्या महत्वपूर्ण रोल होता है वो जानना चाहेंगे आपसे। वैसे तो महिलाओं का सबसे पसंदीदा रंग और श्रृंगार का पहला रंग ही लाल होता है, दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है। लेकिन अंक ज्योतिष के अनुसार बात की जाए कुंडली जागृत का, जैसे मैंने बताया भुकुटी पे बिंदी लगाई जाती है ऑरा मजबूत करने के लिए, और ऑरे के जिस स्थान पे बिंदी लगती है वो सूर्य का स्थान होता है, और सूर्य जब अपने प्रचंड रूप में रहता है तो उसकी जो लालासी रहती है वो लाल रंग की रहती है, उसका ऑरा लाल रंग का रहता है, तो सूर्य का सबसे भारी जो कलर होता है, रंग रहता है, वो लाल रंग रहता है, और लाल रंग के अंदर सूर्य प्रचंड हो जाता है अग्नि के माफिक, जिसे आंख मिलाना बहुत दुष्वर हो जाता है। इसलिए लाल रंग की बिंदी जब हम भुकुटी पे लगाते हैं सूर्य अपनी प्रचंड भूमिका में रहता है और ऑरा इतना मजबूत रहता है कि जब लाल बिंदी लगाई हुई महिलाएं किसी से बात करती है तो नज़रें मिलाना दुष्वर हो जाता है और उनकी कही हुई बात और उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास रहता है वो प्रबल रहता है और महिलाओं को एक सफल महिला साबित करता है लाल रंग। तो चलिए दर्शकों, बिगले आगे बढ़ते हो, अब जानते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। जी मित्र, मूलांक 4 कई तरह के मामलों के कारण थोड़ी थकावट महसूस होगी। हनुमान मंदिर में काला धागा चढ़ाइए, लव लाइफ जो रहेगी उसमें थोड़ा सावधानी रखिएगा, उठापटक हो सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें, हरा रंग विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुद्ध का अंक है, भगवान श्री गणेश का अंक है, कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे आप गोपनीय रखना चाहते हैं, पार्टनर से सरप्राइज मिलेगा, आपको समझदारी का पूरा फायदा मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें, लाल रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी का अंक है, व्यापार में नई संभावनाएं तलाशने के लिए समय अनुकूल नहीं है, पढ़ाई में मन लगेगा, नई सामग्री भी मिल सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें, पीला रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए दर्शकों, फिलहाल के वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही मजा आएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।